इस हफ्ते द प्लेस टू ईट में हम आपको लेके आए हैं बलूची में, विच इज पार्ट ऑफ द ललित। ये एक पैन इंडियन रेस्टोरेंट है एंड यहाँ का खाना इंडियन खानों से काफ़ी डिफरेंट है एंड उसकी क्रेडिट दी जाती है यहाँ के शेफ संतोष शाह को, जिनका एक्सपीरियंस 17 साल का है। फ्रॉम बनारस टू रेमन ब्लॉन टू सिमन किचन, वो यहाँ हैं एंड बना रहे हैं हमारे लिए उनकी कुछ अमेजिंग सिग्नेचर डिशेस। तो देखते हैं आज के एपिसोड में हम कुछ खास सीखते हैं या नहीं। मिलिए शेफ संतोष शाह से, इनका कुकिंग का सफर बहुत लंबा है। 17 साल से ये इस इंडस्ट्री में मजे मजे के खाने बना रहे हैं और हमें खिला रहे हैं। बनारस, रेमन ब्लॉन एंड सिनेमन किचन से इनका सफर यहाँ ललित नंदन बालूची में हमारे लिए बनाएंगे कुछ अमेजिंग डिशेस। हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए शेफ संतोष की सिग्नेचर डिश, विच इज अ तंदूरी ऑक्टोपस। हमने इंडियन स्टाइल में इसको अभी तक शो पे भी नहीं बनाया। जो ऑक्टोपस होता है वो पानी का सबसे इंटेलिजेंट जानवर कहलाया जाता है। उसकी मेमोरी इज़ आउट क्लास, उसकी याददाश्त पता नहीं कहाँ से कहाँ जाती है। इसके जो दिल हैं वो एक नहीं है, 3 दिल हैं और खून इसका ब्लू होता है। जो बेचारे टेंटिकल्स कहते हैं, दे आर नॉट टेंटिकल्स बाय द वे, उनके बेचारे 8 आर्म्स हैं जिसका अपना अपना ब्रेन है। अगर एक ने कुछ पकड़ा हुआ है तो दूसरा कुछ और भी कर सकता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस पानी के जानवर की कि ये स्विम नहीं करता, इनफैक्ट ये सिर्फ चलना पसंद करता है। क्योंकि जब जब ये स्विम करता है इसकी जो ऑर्गन्स हैं शट डाउन करना शुरू कर जाती हैं एंड इट प्रेफर्स टू वॉक। अब हम इसको चलता भी नहीं देखेंगे और स्विम करता भी नहीं देखेंगे, लेकिन इस हाल में देखेंगे जो हमने अभी तक शो पे नहीं देखा। तो आइए बनाते हैं तंदूरी ऑक्टोपस। तो बनाते हैं इसको, क्योंकि बहुत कुछ करना है आपको इसमें। हाँ, कम से कम इसको कुकिंग करने के लिए 2 घंटा चाहिए होता है। तो उसको पहले प्रेप करके रखेंगे क्योंकि उसका स्लो कुकिंग होता है। ओके। सबसे पहले ठंडा पानी होना चाहिए, रूम टेम्परेचर। ओके। उससे स्टार्ट करेंगे। ऑक्टोपस कभी भी हम या तो फ्रेश खरीदे या फ्रोजन खरीदे, फ्रोजन बेटर होता है क्योंकि इसको फ्रेश खरीदने के बाद भी फ्रोजन करना पड़ता है इसका फाइबर ब्रेक करने के लिए। ओके। तो हम ये फ्रोजन ही है, स्पेनिश ऑक्टोपस है, तो इसको हम डायरेक्ट सीधा पानी में डाल देंगे और गैस को हम चालू कर देंगे। तो ये आपने ठंडे पानी में डाला है? हाँ, रूम टेम्परेचर पानी में डालेंगे। रूम टेम्परेचर में हम होल स्पाइस डाल देंगे, बहुत सारा। ओके। आपकी मर्जी है, आप जो 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 पसंद है आपको वो सब डाल देंगे। तो मुझे सिनेमन, बे लीफ, कार्डमम, कोरिएंडर एंड कोरिएंडर रूट्स एज वेल, थोड़ा सा चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सब डाल के इसको हम पहले फुल गैस पे फुल फायर में इसको बॉयल करेंगे। ओके। एक बार बॉयल आ गया तो उसको हम पूरा धीमी करके ढक्कन मार के 1 घंटा 1.5 घंटा छोड़ देंगे। एज इन आग बंद करके? हाँ, आग मतलब आधा करके, 1 आवर ब्रेजिंग बोलते हैं। ओके, ठीक है, उसका टेक्निक को। तो अभी हमने स्पाइस डाल दिया, इसमें कार्डमम है, ब्लैक कार्डमम है और थोड़ा सा ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम डाला है इन्होंने। डालने जा रहे हैं थोड़ा सा कोरिएंडर रूट हम डाल देंगे। ओ, रूट फ्लेवर लाने के लिए, बस फ्लेवर तो बहुत होता है रूट में। तो और नमक डाल देंगे थोड़ा सा और हल्दी और चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया। थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे इसमें। इसकी क्या वजह है? उसका अंदर तक नमक चला जाए। ओके। और वो ब्लैंड ना लगे। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे हम। ओके। इसमें और उसको बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जब तक बॉयल होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम पात्रा बनाएंगे। ओके। कोलोकासिया लीफ बोलते हैं। ओके। ये मिलता है लोकली यहां? बिल्कुल मिलता है, मिलता है। इसका जो रूट होता है उसको अरबी बोलते हैं। ये अरबी का पत्ता है। अरबी का पत्ता है, अरबी जो आलू की तरह लगता है। आलू की तरह लगता है, बिल्कुल अरबी का पत्ता है ये। ओके। सो कोलोकासिया लीफ और तो इसका जो मिक्सचर होता है, ग्राम फ्लावर का मिक्सचर होता है। तो हम बेसन लेंगे, इसमें बेसन में हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, डालेंगे चिली पाउडर एंड टर्मरिक, कैरम सीड जिसको बोलते हैं हम अजवाइन, और खट्टा बनाने के लिए हम डालेंगे मैंगो पाउडर जिसको बोलते हैं अमचूर पाउडर हम।
सो ड्राई मैंगो पाउडर, इसको हम इसका टेस्ट होता है बड़ा सावर, तो और जिंजर गार्लिक पेस्ट और पानी डाल के इसको हम विस्क करेंगे। तो इसको आप अनकुक्ड खा सकते हो? नहीं, इसको नहीं, कुक करना ही पड़ता है। और इसको कुक करने का स्टीम करते हैं, स्टीम करके फिर पैन फ्राई करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पानी डालेंगे। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बना रहे हैं शेफ, इसको मुझे खुद फॉलो करना पड़ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं हम इसको लेकर। बिकॉज नॉर्मली जो डिशेज होती हैं वो सिंपल होती हैं, मसाला लगाया, मैरिनेट किया और बना दिया, बट इसमें क्या कुकिंग इन्वॉल्व है क्या नहीं, तो इसकी आपने अच्छी तरह मिक्सचर कर दिया। और पानी कम रखा है या ज़्यादा रखा है? पानी कम रखना है, पैनकेक से थोड़ा थिक रखना है, जो पैनकेक का मिक्सर होता है उससे थोड़ा थिक रखना है, ये टेक्सचर रखना है। सो ये कनेक्टेड है मेरे से बहुत, मैं बचपन में मेरी माँ बनाया करती थी ये। हाँ। और उसके बाद मैं गुजरात में मैं मूव हुआ। हाँ। तो अचानक से मेरे को देखने मिला था, अरे यहाँ पे भी इतना दूर। हाँ। दो दिन का रास्ता है गुजरात से नेपाल, और उसके बाद मैं 10 साल 15 साल के बाद मैं आज और बालूची में बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस है, एक के ऊपर एक डाल के, और कोशिश करें कि थोड़ा ज़्यादा डालें ये हम, और उसके बाद हम उसको ना रोल करेंगे धीरे से टाइट, है ना, रोल करके और इसको हम स्टीमर में डाल देंगे। ओके, स्टीम करेंगे। एंड कितनी देर करेंगे स्टीम? स्टीम करेंगे हम आधा घंटा तक स्टीम करेंगे। तो 25 मिनट्स आपके पात्रा को एंड डेढ़ घंटा इसको। हाँ, इसको छोड़ देना है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी टू ईट है। ठीक है, ये अभी रेडी टू ईट है। आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क, रेडी टू ईट? हाँ, बिल्कुल, मतलब इसमें नमक भी है, मसाला भी है, और हम क्लीन कर लेंगे इसको थोड़ा सा। ओके, जो एक्सटर्नल पार्ट है इसका उसको हम फेंक देंगे। अच्छा। ये हम यूज नहीं करते हैं। ओके, और उसको हम पोर्शन साइज में निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम संतोष का बहुत लंबा सफर रहा है, इन्होंने इंडिया में काम किया, फिर उन्होंने बनारस में किया, रेमन ब्लॉ में किया है, एंड देन सिनेमन किचन में, यहाँ अभी मुझे बिल्कुल क्लियर है मेरा विजन कि मैं एक बढ़िया शेफ बनना चाहता हूँ, और लोगों मेरा खाना खा के लोग खुश हो जाए और कुछ नया देखने मिले। संतोष से कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग होके तो अभी इसको हम ऑक्टोपस को बिल्कुल रेडी है, और इसको तंदूरी मैरिनेशन करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे। ठीक है, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और कसूरी मेथी, चिली पाउडर, और चिली पाउडर में आप स्मोक पेपरिका भी यूज कर सकते हैं। ओके, और मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का कॉम्बिनेशन इसमें अच्छा है, बहुत ज्यादा जी जी जी, भी तंदूरी कुकिंग, कोई भी तंदूरी कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और लेमन जूस, और इसमें सॉल्ट में थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सॉल्ट डाला था बॉयल करते वक्त। ठीक है, ऑक्टोपस तो सॉल्ट बहुत ज्यादा कैच करता है बॉयल करते वक्त, तो इसमें थोड़ा सा हम एक बार टेस्ट कर लेंगे पहले थोड़ा सा डाल के, और उसके बाद हम देखेंगे कि और जरूरत है तो और डालेंगे, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप, और तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये आपने कहा कि ये एक तरह से पक गया है जी, और एडिबल है। हाँ, इसको अभी स्मोकी फ्लेवर करने के लिए, चार फ्लेवर करने के लिए हम तंदूर में डालेंगे। तो वो उसका कितना टाइम है कुकिंग का? तंदूर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, 400 डिग्री के ऊपर होता है तंदूर, तो मैक्सिमम 4-5 मिनट डालेंगे। पात्रा रेडी है, थोड़ा सा ग्रिल कर देंगे। थोड़ा हम तंदूरी आलू लामने का डॉट सब डाल देंगे थोड़ा सा, और ये रेडी है। तो हम एक ही पीस यूज करेंगे, और इस पे हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, और आप लेमन भी डाल सकते हैं, लाइम भी डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम डालेंगे ऑक्टोपस। कोरिएंडर चटनी डालेंगे थोड़ा सा टेक्सचर के लिए, पफ किनुआ। ओके, पफ किनुआ जैसे राइस का, तो ये रोस्टेड होता है ना किनुआ, फ्राइड होता है, फ्राइड है ये। ओके, तो पफ किया हुआ है। उसके बाद हम डालेंगे क्रिस्प, तो हम एक कोरिएंडर क्रिस्प डाल देंगे, और हम रेडी है। तो ये आपने पैन एशियन स्टाइल में बना दिया हमारे लिए ऑक्टोपस, इसको आप देखें गौर से, एंड जब देख लेंगे हम इसको खा लेंगे। थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मुझसे एक सवाल किया जाता है हमेशा कि आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं, एंड इन फैक्ट मेरा जवाब यही होता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, दैट्स अ फैक्ट, एक्चुअली बिलीव इन इट. क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. कभी कभी अगर आपको लगता है कि ये डिश बहुत मुश्किल लग रही है एंड मैं नहीं बना पाऊँगी, जस्ट गिव इट अ ट्राई, प्रैक्टिस एंड यू विल बी सरप्राइज कि आप उसको कितना अच्छा बना लेते हैं घर पे. चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ और आपसे मिलते हैं उसके बाद.